भारत के एक स्टार्टअप ने तो कमाल ही करके दिखा दिया है। पहली बार हमने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है इंजन के मामले में। इस स्टार्टअप ने DG J40 जेट इंजन तैयार करके रख दिया है और इसका सक्सेसफुल टेस्टिंग भी कंप्लीट कर ली है। 1 आवर की ये पूरी टेस्टिंग थी, प्रिसाइसली 1 आवर 10 मिनट्स की पूरी टेस्टिंग थी, जहाँ फ्लक्चुएशन, थ्रॉटल डिमांड्स, RPM चेंजेस, तमाम सारे कंस्ट्रेंट्स डाले गए इंजन की टेस्टिंग में और फाइनली ये पूरी तरह से पास हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस इंजन को हम हमारे फ्यूचर के UAVs ड्रोन्स में यूज करेंगे। अर्मेनिया अजरबैजान ने भर भर के ड्रोन्स का इस्तेमाल करके ही अर्मेनिया को हराया है और करेंटली भारत को सबसे ज्यादा ड्रोन्स इसराइल, यूनाइटेड स्टेट्स और हम हमारी डोमेस्टिक डेवलपमेंट रुस्तम से ही पूरा करते हैं। लेकिन इसमें यूज होने वाले इंजन के लिए हमें इन बाकी के देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब नहीं। इस स्टार्टअप ने ये जो कमाल का इंजन तैयार किया है, फाउंडर्स का कहना है कि ये तो बस शुरुआत है, हम इसे और ज्यादा रिफाइन करेंगे और इंडियन एयरफोर्स की सारी रिक्वायरमेंट को ये इंजन पूरा कर सकता है ड्रोन्स और UAVs के मामले में। आपको बता दें कि फाइटर जेट्स के मामले में भी हमने एक काफी बड़ा प्रोग्रेस किया था पिछले ही साल। अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट जायंट कंपनी GE के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ दोनों ही कंपनीज मिलकर इंजन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगी, ये एग्रीमेंट का हिस्सा था। ड्रोन्स के मामले में चीन भी बहुत ज्यादा आगे है भारत से, लेकिन क्योंकि अब भारत ने खुद का अपना इंजन भी तैयार कर लिया है हमारे स्टार्टअप की बदौलत, मोस्ट प्रोबेबली अब आप जल्द ही देखोगे DRDO और ये स्टार्टअप मिलकर एक के बाद एक घातक ड्रोन्स UAVs मिलकर बना के तैयार कर देंगे। खैर जो भी हो, लेकिन हमारे स्टार्टअप की ये सिग्निफिकेंट अचीवमेंट के लिए तो एक लाइक तो बनता ही है और साथ ही में हमारे इस काम को सपोर्ट करने के लिए कमेंट्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा।